समाचार विस्तार से। खरगोन जिले के ग्राम बलकवाड़ा से पुलिस ने नकली नोट के धंधे का बड़ा मामला उजागर किया है। पुलिस ने खरगोन जिले सहित इंदौर आगर मालवा के कुल 30,65,000 रुपए के नकली नोट के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्त में लिया है। नकली नोट का एक बड़ा रैकेट पकड़ में आया है। यह गिरोह खरगोन समेत इंदौर और आसपास के जिले में नकली नोट छापकर अपने लोगों के जरिए बाजार में चलाते थे। 19 जनवरी को थाना प्रभारी बलकवाड़ा वरुण तिवारी को मुखबिर के जरिए इस बड़ी जालसाजी की खबर लगी। सूचना मिली कि जितेंद्र नाम का व्यक्ति 2000 और 500 रुपए के नकली नोट छापने व बेचने का कारोबार करता है। उसके साथ मिलकर साहिल और संजय नाम के दो व्यक्ति नोट सप्लाई करने का काम करते हैं। मुखबिर की पक्की सूचना पर थाना प्रभारी बलकवाड़ा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम में कुल 12 छोटे बड़े पुलिस कर्मचारियों को शामिल किया गया। 19 जनवरी मंगलवार को कार्यवाही के दौरान सिंगाजी मंदिर के सामने बलखड़ रोड के पास पहुंचे, जहां पर 5 व्यक्ति 3 मोटरसाइकिल सहित खड़े होकर लेन देन करते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम को देखकर 5ों ने भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने घेराबंदी करके धर दबोचा। पकड़ में आए नरेंद्र पिता अमर सिंह पवार निवासी ग्राम बमनाला थाना बिकनगांव के पास से 2000 एवं 500 रुपए के कुल 5,00,000 रुपए जितेंद्र पिता रामप्रसाद भाटी निवासी आनंदी खेड़ी थाना नलखेड़ा जिला आगर मालवा के पास से 2000 एवं 500 रुपए के कुल 4,00,000 रुपए संजय पिता चतर सिंह निवासी ग्राम ललनी थाना बिकनगांव सहित साहिल पिता पवन पवार निवासी बोरगांव बुजुर्ग थाना पंधाना एवं विजय उर्फ काना पिता बदाम सिंह निवासी ग्राम टेमरनी थाना गोवावा के पास से 2000 एवं 500 रुपए के कुल 3,00,000 रुपए के नोट मिले। बरामद करेंसी उच्च गुणवत्ता के नकली नोट थे। काफी बारीकी से जांच करने पर पता चला कि नोट नकली हैं। आरोपियों से कुल 18,00,000 जब्त किए गए हैं। पकड़ में आए जितेंद्र ने पूछताछ में बताया कि अपने घर ग्राम आनंदी खेड़ी जिला आगर मालवा में अपने मामा जगदीश पिता रतनलाल तोमर निवासी ग्राम तलावटी इंदौर के साथ मिलकर नकली नोट छापने और मामा के साथ मिलकर मार्केट में चलाने एवं सप्लाई करने का काम करता था। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जितेंद्र पिता रामप्रसाद भाटी निवासी आनंदी खेड़ी जगदीश पिता रतनलाल तोमर निवासी ग्राम तलावटी इंदौर सहित आरोपियों के खिलाफ अपराध कायम कर दिया है। गिरफ्तार आरोपियों से कुल 30,65,000 रुपए 3 मोटरसाइकिल 2 प्रिंटर मशीन आधे छपे नोट नोट छापने में उपयोग किए जाने वाला कागज कटर एवं दूसरे उपकरण जब्त किए हैं। ये कुछ समय से पुलिस को जिले में कहीं कहीं पर नकली नोटों के प्रयोग में आने की सूचना मिली थी। इसी के तारतम्य में पुलिस ने कई जगह अपना पता लगाने का प्रयास किया था, तो ऐसी जानकारी लगी कि कुछ लोग जो हैं वो इसका नकली नोटों का लेन देन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब पुलिस ने जानकारी में मिली कार्रवाई की, त्वरित कार्रवाई की गई, तो उसमें पुलिस ने मौके से 5 लोगों को राउंडअप किया, जिनके निशादेही पर और जिनके बताए जाने पर पुलिस ने जब छापेमारी करी, और उसके अलावा उनका एक छठवा साथी भी था, उसको भी पुलिस ने राउंडअप किया, और इन सभी के यहाँ पे जब पुलिस ने तलाशी ली तो करीब इनके पास से और इनके घर से करीब 30,65,000 के नकली नोट जो हैं 500 और 2000 के मेनली, वो पुलिस को इनसे बरामद हुए। इसमें जो मुख्य आरोपी है, जब उससे पूछताछ की गई तो उसने इसको करने की विधि बताई, और एक पेपर पे ये इनको बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रिंटर से प्रिंट करके इसने शुरू में इनको खपाना स्टार्ट किया था छोटी छोटी मात्राओं में, और जब कुछ समय में इसकी खपत ठीक ठाक होने लगी तो इसने फिर एक बड़ा मात्रा में इनको खपाने की कोशिश करने के उसमें जब तक ये लोग थे तब तक पुलिस ने इन सभी को राउंड अप कर लिया। ये अपराधी अलग अलग जगहों से पकड़ाए हैं। एक मुख्य आरोपी जो है वो नलखेड़ा से पकड़ा है, उसका एक मेन साथी जो है वो इंदौर से पकड़ाया है, इसके साथ साथ हमारे खरगोन से भी आरोपी पकड़ाए हैं। तो ये सभी अलग अलग जगह के, ये अलग अलग काम करते हैं, कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई कहीं उसमें काम करता है, पेट्रोल पंप पे काम करता है, तो इनकी अलग अलग प्रोफाइल्स है। इन्होंने इनके जो इन्होंने ये कार्रवाई करीब बता रहे हैं कि जो अभी इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि 4-5 महीने से ये इस काम को करते आए हैं। शुरुआत में ये छोटे मात्रा में इन्होंने इसको खपाने की शुरुआत की, जब इनको सफलता मिलती गई तो इन्होंने इसके बाद जो है वो बड़ी मात्रा में खपाने की कोशिश में थे, जब तक पुलिस ने इनको राउंडअप किया। ये नोट जो है ये एक पेपर है, ब्लफ पेपर जिसको बोलते हैं, ये मार्केट में उपलब्ध रहता है, और ये छूने में और देखने में काफ़ी कुछ जो नोट होते हैं उनके जैसा लगता है, तो इसी पे ये एक अच्छी क्वालिटी का, बहुत हाई क्वालिटी का एक प्रिंटर है, कलर्ड प्रिंटर, उसमें ये इसको अपने नोट्स को स्कैन करके उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से उसी साइज़ में उसी डायमेंशन में
बिल्कुल असली नोटों की तरह उसको प्रिंट करते थे और फिर उसी को धीरे धीरे विशेष तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पे इनको खपाते थे। इसमें जो मेन दो मास्टरमाइंड हैं वो आपस में मामा भांजे हैं, और जो भांजा है वो छापने का काम करता था और मामा इसमें बेसिकली जो था वो ऐसे कस्टमर्स लेके आता था जिनके माध्यम से ये मार्केट में नोट खपा सकते। डिजियाना न्यूज़ निमार रिपोर्ट खरगोन।